वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है जुलाई इंक्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट दिवस होता है और इंक्रीमेंट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैंने समस्त कर्मचारियों को दे दी थी, लेकिन वीडियो में नहीं बना पाया था। अभी कुछ साथियों के सामने समस्या ये आ रही है कि इंक्रीमेंट तो 3% जुड़ जाता है बेसिक सैलरी में, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट की डेट है वो पुरानी ही आ रही है, ये डेट अपडेट नहीं हो रही है। कोई साथी तो ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर, यहाँ पर अपडेट बटन नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। इसे यहाँ पर डेट चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, इसे यहाँ पर अपन को करना है 2020 करना है। 2020 अभी 1 जुलाई को अपना इंक्रीमेंट लगता है, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लिया और जुलाई और यहाँ पर 1/7/2020 ये डेट और ये अपडेट। अब भले ही आप यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा दो, पे एंड बैंक में जानकारी सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई, ये डेट चेंज हो गई। तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये डेट आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंक्रीमेंट डेट 1/7/19 है, इसको अपन को 20 करना है, तो यहाँ पर 2020 ईयर सेलेक्ट जुलाई और 1/7/2020 और ये अपडेट। तो यहाँ पर पे एंड बैंक जानकारी सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई। अब इसका इंक्रीमेंट भी अपन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, जुलाई का इंक्रीमेंट अपन दो तरीकों से ऐड कर सकते हैं, या मास्टर की टैब में इंक्रीमेंट बेसिक, इस ऑप्शन से ग्रुप के समस्त एम्प्लॉई हैं उनका एक साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर से ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में जो एम्प्लॉई प्रोबेशन में है उनका नाम यहाँ पर नहीं दर्शाएगा, बाकी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें और इनका इंक्रीमेंट फटाक से प्रोसेस करते ही ये जुड़ जाएगा, ये बेसिक इंक्रीमेंट सक्सेसफुली। और दूसरा तरीका, बिल प्रोसेसिंग की टैब में सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी प्रिपरेशन ऑप्शन में एम्प्लॉई पे डिटेल्स, ये मैन्युअली सिस्टम है। यहाँ पर एक एक एम्प्लॉई का अपन देख करके इंक्रीमेंट जोड़ सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ने एम्प्लॉई को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर एम्प्लॉई का जून का बेसिक 39,100 है, अपन को इंक्रीमेंट ऐड करना है, तो यहाँ पर एडिट बटन है। इस एडिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पे स्केल आईडी और बेसिक पे यहाँ पर बता रहा है। अब 39,100 ये जून का बेसिक है, जून का बेसिक यहाँ पर फिल कर देंगे वर्तमान बेसिक में 39,100 और जैसे ही टैप बटन करेंगे तो 40,300 यहाँ पर भावी वेतन बता दिया। वर्तमान वेतन 39,100 था और उनका भावी वेतन 40,300। दोस्तों, ये एक्सेल शीट मैंने सेल्फी बनाई है, यहाँ पर ये 1/7/19 का, ये प्रीवियस ईयर की है, मैंने खुद ने बनाई थी, ये 2019 का बेसिक है और यहाँ पर ब्लू पट्टी दिख रही है यहाँ से 2020 की। ये मैन्यूअल है बिल्कुल, आप इसको एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ये सदाबहार चलने वाली शीट है। अब यहाँ पर 39,100 का बेसिक हो गया भावी वेतन 40,300 बेसिक, अब यहाँ पर अपन 40,300 और रीजन सेलेक्शन कर लिया अपन ने, पे फिक्सेशन अपडेट, एम्प्लॉई बेसिक चेंज सक्सेसफुली। यहाँ पर 39,100 बेसिक था पहले, अब यहाँ पर बेसिक 3% इंक्रीमेंट प्लस होके 40,300 हो गया। एम्प्लॉई के बेसिक में 3% इंक्रीमेंट जुड़ने से यहाँ पर उसकी सैलरी ग्रो हो गई और डीए और एचआरए इस टाइम जो भी है वो प्लस होकर के ग्रोथ सैलरी यहाँ पर हो गई।
तो दोस्तों इस तरीके से मैनुअल भी आप जोड़ सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉई ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर मैनुअल में यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और अगर आपने डेट मान लो, जैसे ये एम्प्लॉई है, इस एम्प्लॉई का आप अभी देख भी सकते हैं वहाँ पर, भले ही डेट उसकी 2018 है या 19 है, तो अपन मैनुअल इसको डेट को भी चेंज कर सकते हैं इसे। और ये एक्सेल शीट भी बिल्कुल मैनुअल है, इसमें इस शीट में आप जिस एम्प्लॉई का इंक्रीमेंट प्लस करना है उसको यहाँ पर नाम, कार्मिक अधिकारी का उसका पद, स्थाई अस्थाई यानी कि अस्थाई होता है, और पद का वेतन लेवल, पद का वेतन लेवल आप पेमेट्रिक्स में भी देख सकते हैं। पेमेट्रिक्स यहाँ पर मैंने अवेलेबल कराई है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का लेवल दिया हुआ है, लेवल 1 से लेकर 24 तक। और नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर वर्तमान वेतन लिखना है, जैसे जून का अपना बेसिक यहाँ पर टाइप कर देना है, आपका जो भी बेसिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रबोधक हैं, प्रबोधक का बेसिक अभी है 43,800, तो उसका भावी वेतन यहाँ पर हो गया 45,100। तो ये नेक्स्ट कर देगा, और नेक्स्ट करने के बाद में भावी वेतन यहाँ पर ऑटोमेटिक शो कर देगा। अगर इस शीट का यूज़ करें आप, तो इसमें कुछ भी एडिट वगैरह नहीं करें, क्योंकि इसमें फॉर्मूले ऑटोमेटिक डाले हुए हैं। अगर आप कुछ एडिट करने जाएंगे तो यहाँ पर ये डिटेल्स गलत बताना शुरू हो गया, तो फिर इसकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।